स्माइल करो। क्या कर रहा है तू? हाँ, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ए, गिरा 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 गिरा। उठो उठो उठो, गिर गया। ये उठ जा उठ जा उठ जा। ध्यान से चढ़ना। ओए, क्या कर रहा है रे? ये हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस, आज ना चार पांच चीज़ें कांड हो गया। मैं बताता हूँ, देखो सुबह से क्या क्या कांड हो गया। अभी तो जैसे देखो, ऑफिस से मैं घर आ रहा था और करीबन अभी जो है ना 11:30 बज रहा है दोपहर के। ओके, तो आ रहा था ना भाई, मेरे सामने एक जो है ना ट्रैक्टर जा रहा था। बट ट्रैक्टर मतलब सही चला रहा था, बट उसके सामने कोई ना कोई बाइक अचानक से कभी इस गली से कभी उस गली से बंदा ब्रेक मारता, सुर से जाता, और पीछे वाले हम लोग सभी लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे। फिर ऐसे कैसे करके हमने आया, बाहर आए, वहाँ से निकले। फिर एक और जगह क्या हुआ भाई, रोड में कुछ तो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। ओके, काम चल रहा है एक्चुअली, जो बुलडोजर वुलडोजर का काम रहा था ना, वो काम कर रहा था और मैं बच गया भाई वहाँ पे एक्सीडेंट होने से। तो काम चल रहा था तो जो बंदा था ना वहाँ अचानक से उसने हाथ डाल दिया कि रोकने के लिए। जैसे हम लोग जैसे इस तरफ से जा रहे थे, बाकी लोग उस तरफ से आते, आधा रोड पूरा ब्लॉक था, आधा से ज़्यादा रोड ब्लॉक था। तो उस बंदे ने जाते जाते ना, जो सामने वाला एक बंदा बाइक था उसके सामने जो काम कर रहे थे ना उसका कोई बंदा होगा, तो उसने अचानक से हाथ डाला, इसने फटाक से ब्रेक मारा और उसके जस्ट पीछे मैं था, मैंने भी ब्रेक मारा और मेरी गाड़ी भाई सामने वाली स्किड हो गई। अगर देखो स्ट्रेट में मैंने ब्रेक मारता ना तो सामने वाली गाड़ी में लड़ जाता। तो मैंने क्या किया, थोड़ा राइट कर लिया ताकि उसको ना लगे और मेरी गाड़ी स्किड होके गई, बट बच गया भाई, गिरा नहीं, शुक्र है। और उसके बाद मैं चलो ऐसे कैसे करके ऑफिस आया। और भाई गर्मी, भाई साहब क्या गर्मी है, धूप एकदम खतरनाक वाली हो रखी है। और सबसे बड़ी और कॉमेडी बात है कि भाई मेरा जो टिफ़िन बॉक्स, मतलब जो खाना उना सब फ्राइड राइस वगैरह शेजवान फ्राइड राइस बना के रखे थे और पैक उक मैंने किया, वैसे टेबल पे रखा और वैसे भूल ही गया। अभी जब यहाँ ऑफिस पहुँचा तो दीदी का कॉल आया, बोले कि भाई तुम्हारा टिफ़िन तो इधर ही है। मैं बोला ले, अब तो कैसे वापस तो जाऊँगा नहीं, दोपहर का देखता हूँ, लंच इधर ही कुछ तो लंच वगैरह यहीं पर खा लेंगे और देखते हैं, नहीं तो क्या करेंगे दोपहर को। बाकी भाई क्लाइमेट तो यार बहुत गर्मी जैसा होकर रखा है, और ऊपर से जो मैं कल क्लाइंट का जो काम कर रहा था गाइस, वो भी थोड़ा बहुत पेंडिंग है। तो मेरा पूरा डिसीजन कि पहले इस वेबसाइट के काम को ना ख़त्म करके क्लियर कर दूं, ताकि मैं, क्योंकि भाई दो तीन दिन से ना सही से नहीं मैं सो पाया हूं, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है ना भाई, नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग चाहिए, कस्टमाइजेशन, इनको हर एक टेक्स्ट, हर एक आइकॉन, सब चीज़ चेंज हो रहा है, सब चीज़ कस्टमाइज हो रहा है। हालाँकि देखो गाइस, इसमें ज़्यादा मैं कुछ पैसे कमा नहीं रहा हूं, बट जस्ट जान पहचान के लोग हैं, तो मैंने बोला कि चलो यार मेहनत कर देते हैं। रात रात भर बैठ के मेहनत किया, दिन दिन भर बैठ के मेहनत किया, ऐसा ना किसी भी वेबसाइट क्लाइंट वालों के साथ में मैंने इतना मतलब बैठ करके नहीं किया। और किसी के साथ में थोड़ा ज़्यादा करता हूँ तो भाई उसके हिसाब से मैं पैसे चार्ज कर लेता था, बट इनसे नहीं। चलो ये दोस्त के दोस्त हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, मैंने सोचा चलो यार बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, कर देते हैं। तो ये बात है, तो उसका ना आज कैसे ना कैसे करें वेबसाइट को पूरा कंप्लीट करना, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई मेरा काम नहीं होते जा रहा है, क्योंकि मेरे वीडियोस और बाकी जो काम है सब चीज़ पेंडिंग में। ऊपर से मेरा एक एप्लीकेशन है सेल कर लो, वो भी भाई फ्रीज़ होके कुछ तो दिक्कत आ गई है, वो काम ही नहीं कर रहा, अब उसको भी फिक्स करना, बट उसके लिए भी टाइम लगेगा एक दो दिन। तो मैंने सोचा पहले इस वेबसाइट के काम ख़त्म कर लेता हूँ, फिर वीडियोस वगैरह अपने चैनल पे कर लेता हूँ, फिर लास्ट में उसको करेंगे। भाई इतना सारा चीज़ है, देखते हैं कैसा करते हैं आप लोग। अच्छा, आजकल मैं सब्सक्राइब करने नहीं बोल रहा हूँ, तो क्या आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे क्या? वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक देख रहे हो, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, एकदम कलेजे से शुक्रिया अदा करता हूँ, सब्सक्राइब कर दो। और भाई जस्ट मुझे ना जियो डाइव के बारे में पता चला, जो 3D वाले जो रहते हैं ना, VR वर्चुअल रियलिटी। इनफैक्ट देखो, वर्चुअल रियलिटी मैंने पहले भी यूज़ करके रखा है, एंड सिमिलर सा प्रोडक्ट ही इन्होंने लॉन्च किया मैं श्योर हूँ, बट सोच रहा हूँ कि इसको मंगा करके ना इसको एक्सपीरियंस करा जाए। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट डाउन
एंड देखते हैं भाई मंगा सकते हैं, बट उसके लिए ना मेन बात है कि जियो सिम ही चाहिए। मेरे पास जियो सिम नहीं है, ऐप तो मैंने डाउनलोड कर लिया, ऑफिस में एक बंदे के पास में आज़ाद के पास में जियो सिम है। मैं सोचता हूँ अगर उसके लॉगिन से अगर काम पड़ जाएगा तो तब शायद ऑर्डर करके मंगा लेंगे, वरना तो यार बेकार रहेगा। बाकी पुराना VR का एक्सपीरियंस मुझे है ही, तो देखते हैं क्या। और एक हाँ आखिरी बात, अभी देखो ये मेरे बाल देख रहे हो, देखो इतने बड़े बाल हैं। ओके, इसको मैं कटा दूँ, छोटा कर दूँ, शॉर्ट स्पाइक वगैरह कर दूँ, या फिर ऐसे रखूँ, प्लीज़ कमेंट ऑन करना ताकि उसके हिसाब से मैं करूँगा, प्लीज़ बता देना। तो भाई साहब ये जो वेबसाइट पे काम कर रहा था ना भाई, इश्यूज़ वगैरह फिक्स हुआ, कुछ प्लगइन्स की वजह से मुझे लग रहा है ना प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने वो सबको डिलीट कर दिया और अभी जो है ना स्टेबल से काम कर रहा, होपफुली ऐसे स्टेबल से काम कर रहा। और बाकी सारे बहुत सारे काम थे वो भी निपटा दिए। अब जो है ना क्लाइंट की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ सकता है काम। तो तब तक शाम हो गया गया सारे, ऑलरेडी पूरा शाम हो चुका है, करीबन 7 बजने वाले हैं, 6:30 बजने वाले हैं। फाइनली मैं निकल चुका घर के लिए, एंड गाइस थैंक गॉड शाम के बाद से जो ना जो नए वेबसाइट पे काम कर रहा था वो क्रैश नहीं हुई, तो मतलब जो प्लगइन्स मैंने रिमूव किए थे वो फंडा काम कर गया। बट अभी इसको मॉनिटर करना है एक दो दिन, अगर फिर से कुछ क्रैश नहीं होता है तो आई थिंक यही प्रॉपर इशू था। बाकी गाइस मैं निकलता हूँ घर, पहले 8:30 बज चुके हैं। गाड़ी पे आया तो फुल धूल जमा हुआ है, पूरा धूल,